भक्त की पुकार पर दौड़े चले आने वाले महादेव। देखते हैं शत्रु की चित्कार पर आते हैं या नहीं, आते हैं या नहीं। ॐ नमः शिवाय। चलिए महादेव, शब्द शत्रु के हैं परंतु पुकार एक पुत्र की है। कदाचित जलंधर इस द्वंद के अंत के लिए ही आपका आवाहन कर रहा है। ओम नमः शिवाय। तो पथ आगे बढ़ चुके हैं, ओ पुनः नहीं मुड़ेंगे सागर राज। ये युद्ध होगा, अवश्य होगा, हर स्थिति में होगा, हर परिस्थिति में होगा। उचित कहा देवी। समय आ गया है, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। आंखें खोलो जलंधर, आंखें खोलो जलंधर, आंखें खोलो जलंधर। महादेव के पुत्र हो तुम, शिवांश हो तुम। कुछ क्षण पहले मैं सागर के तट पर खड़ा था, सागर की बहती पवन, उठती लहरें मेरे लिए वात्सल्य का स्पर्श थी। मेरे लिए उस स्पर्श से बढ़कर कुछ भी नहीं था। आज जो महायुद्ध होने वाला है उसमें एक और देवों के देव महादेव है, देवों के देव महादेव है, देवों के देव महादेव है।
जिनकी शक्ति अपरंपार है। और दूसरी ओर महादेव का सबसे बड़ा शत्रु शिव का ही अंश जलंधर है। जलंधर है, जलंधर है। उसकी स्वयं की शक्तियां तो है ही, साथ में उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत का बल भी है। पतिव्रत का बल भी, पतिव्रत का बल भी। और इस बार मैं तुलसी की भांति वृंदा का पतिव्रत भ्रष्ट नहीं करूंगा। तो फिर इस युद्ध का अंत कैसे होगा प्रभु? वृंदा का पतिव्रता धर्म जलंधर की अभेद्य ढाल है, और जब तक इस ढाल को नष्ट ना किया जाए तब तक जलंधर को परास्त करना असंभव है प्रभु, असंभव है। तभी तो इस युद्ध के आरंभ का शंखनाद नारायण को भी विचलित कर रहा है। ये धर्म युद्ध संबंधों के धागों से पिरोया हुआ है, नातों की गांठों से जकड़ा हुआ है, नातों की गांठों से जकड़ा हुआ है, नातों की गांठों से जकड़ा हुआ है। परिणाम चाहे जो भी हो, टूटेंगे तो संबंध ही, बिखरेंगे तो नाते ही। इस युद्ध का परिणाम दुखद ही होगा, दुखद ही होगा, दुखद ही होगा। जलंधर की सेना सज्ज हो जाओ इस निर्णायक युद्ध के शंखनाद के लिए, युद्ध के शंखनाद के लिए। शिव उसे मारना चाहते हैं और ना मैं मरने देना चाहती हूँ। एक पुत्र शंख को तो पहले ही खो चुके हैं आप, दूसरे के अंत का दुख सह पाएंगे आप? चिंता में चित्त भंग मत कीजिए सागर राज, घर से सीना चौड़ा कीजिए, क्योंकि आज निर्णय हमारे ही पक्ष में होगा। उत्सव की तैयारी कीजिए। सागर की लहरों, अपने वेग, अपनी उत्सुकता को शांत करो। मैं बस यूं गया और यूं शिव का संहार करके आया। चलो सभी मेरे साथ। भगवान जलंधर की, 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 भगवान जलंधर की। राजा ने क्या परिणाम होगा इस युद्ध का? पुत्री वृंदा, जाओ और पूजा की तैयारी आरंभ करो।
तुम्हारे पति व्रत के बल से जलंधर के लिए एक ऐसा अभेद्य कवच बनाओ जिसके सामने आदि शक्ति का बल भी अपूर्ण पड़ जाए, क्योंकि तुम्हारे पति व्रत के बल से ही भविष्य में आने वाले असुर लोक का भविष्य चमकेगा और स्मरण रहे विजय हमारे पक्ष में ही होगी। निश्चित रहिए गुरुदेव, परिणाम वही होगा जो मेरे स्वामी चाहते। आये महादेव, मैं युद्ध के लिए आपका आवाहन करता हूँ, युद्ध के लिए आपका आवाहन करता हूँ, युद्ध के लिए आपका आवाहन करता हूँ।